बीएमसी ने 1 से 10 नवंबर तक 10% पानी कटौती की घोषणा की। 22 वियर में स्थापित न्यूमेटिक गेट सिस्टम का होगा मरम्मत। थाने मुंबई भिवंडी में पानी कटौती। राज ठाकरे ने कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा महाराष्ट्र के सभी प्रोजेक्ट्स गुजरात क्यों जा रहे हैं, अब गुजरात के प्रधानमंत्री हो या देश के। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 10:30 होगी सुनवाई। सुनवाई पर पूरे महाराष्ट्र की नजर। छठ पूजा के पहले दिन जुहू बीच पर करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 2 साल बाद बिना पाबंदियों के मनाई गई छठ पूजा। महाराष्ट्र बनेगी 3 लाख करोड़ की मेगा रिफाइनरी। टाटा और वेदांता परियोजना के गुजरात जाने के बाद आई अच्छी खबर। बोरीवली में टारगेट पूरा ना होने पर बॉस ने कर्मचारी संघ की मारपीट। अस्पताल ले जाकर लगवाने पड़े टाके। नई मुंबई में के घनसोली में पहले बच्चों का गला रेत कर फिर किया आत्महत्या का प्रयास। अस्पताल में भर्ती मुंबई की निर्दय मां। शिंदे सरकार पर से चला खतरा। बैकफुट पर रवि राणा। बच्चू गढ़ू से मांगी माफी। गढ़ू कर लेंगे अंतिम फैसला। मुंबई में कल से सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, वरना लगेगा 1000 का जुर्माना। सोलापुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आए 7 तीर्थयात्रियों की मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का ट्रांसफर। समीर वानखेड़े टीम की जांच की थी। चंद्रपुर में बाइक से जा रहा था युवक, अचानक सामने आ गया बाघ। वीडियो वायरल। हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन में रेल नीर वाटर बॉटल की कमी। 29 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उक्त खंडों में रेल नीर की आपूर्ति करना संभव नहीं। टाटा एयरबस के बाद अब सेफ्रॉन प्रोजेक्ट भी गया। शिंदे राज में बर्बाद हो रहा है महाराष्ट्र। सीएम पर हमलावर विपक्ष। खार से यातायात पुलिसकर्मी की सतर्कता की मदद से हत्या के प्रयास। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। रिक्शा चालक पर किया था हमला। शरद पवार ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती। महसूस हो रही थी बेचैनी। एनसीपी ने कहा चिंता की बात नहीं। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का एक और वार। कोरोना काल में हुए बीएमसी के कामकाज की कैग करेगा जांच। एनसीबी ने की विदेश मंत्रालय और आईबी से गुजारिश। कुछ अफ्रीकी देशों पर तत्काल लगाए बैन। लगातार बढ़ रही है मादक पदार्थों की तस्करी। मराठी मुसलमानों का उद्धव ठाकरे को समर्थन। बीएमसी चुनाव में मिल सकता है फायदा। मुंबई में कोर्ट ने मदरसा के शिक्षक को 20 साल कैद की सजा दी। बच्ची का किया था यौन उत्पीड़न। मां जीवित है तो नहीं कह सकते अनाथ। एडमिशन में कोटे को लेकर फंसा पेच तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद सार्वजनिक प्रचार पर प्रतिबंध। मुंबई में आज सोने के दामों में गिरावट। सोना 50,840 रुपये तोला। वहीं चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं। अब एक सुरक्षा घेरे में रहेंगी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। शिंदे गुट के 41 MLA और 10 MP को की भी सुरक्षा बढ़ी। महाराष्ट्र में बनेगा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। सूरज कुंड में बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जानकारी। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए। एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।